दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन से आवाज़ क्यों आती है। दोस्तों इस टॉपिक पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन हमने इसे डिटेल्स में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो देखकर इसका कारण समझ में आ जाए तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तभी उसमें से आवाज़ सुनने को मिलते हैं। इसे हमिंग साउंड या हिसिंग साउंड भी कहा जाता है। 220 केवी के नीचे ये साउंड ना के बराबर होता है, लेकिन 220 केवी के लाइन पर यह साउंड बारिश के मौसम में ज़्यादा और सूखे के मौसम में बहुत कम सुनाई देती है। 400 केवी के लाइन में यह साउंड हमेशा ही सुनाई देती है, लेकिन रेनी सीजन में ज़्यादा हो जाता है। 765 केवी के लाइन में यह साउंड बारिश हो या सूखा हमेशा ही सुनाई देती है, लेकिन बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा। दोस्तों आपने शायद नोटिस किया कि हमने बार बार कहा है कि बारिश के मौसम में ये साउंड ज़्यादा सुनाई देती है। तो बारिश के मौसम में ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक ये आवाज़ इतना बढ़ जाता है? तो इसे एक आसान एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक 220 वोल्ट का तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर हम इस तार के इंसुलेशन को पकड़ के खड़े रहें तो क्या होगा? क्या हमें बिजली का झटका लगेगा? जी नहीं दोस्तों, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इंसुलेशन 220 वोल्ट के लाइन के लिए ही बनाया गया है। अब क्या होगा अगर हम इस 220 वोल्ट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं? आपको क्या लगता है, क्या ये इंसुलेशन ज़्यादा वोल्टेज को झेल पाएगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज जब इसका रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तब ये इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और हमें जोर का झटका लगेगा। ठीक इसी तरह दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तब ये कंडक्टर अपने आसपास के एयर को भी आयोनाइज कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में करंट हवा में फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन वोल्टेज जब एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से बढ़ जाती है यानी 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है और एयर आयोनाइज हो जाता है। यानी हवा में जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बदल जाता है। इसकी वजह से एयर एज ए कंडक्टर वर्क करती है। इतना तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आवाज़ क्यों आती है? दोस्तों जब भी कोई चीज़ किसी से टकराती है तो उसमें से आवाज़ निकलती है। कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब तार के पास मॉइस्चर आ जाता है तब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन तार से निकलकर एयर में आ जाती है और एयर में इलेक्ट्रॉन जमने लगता है। आप सभी जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपने तरफ खींचता है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है। मतलब एक अगर प्लस हुआ और दूसरा माइनस तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचेगा, लेकिन वहीं दोनों ही अगर प्लस या दोनों ही माइनस हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। जब ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तब इन इलेक्ट्रॉन्स और हवा में मौजूद चार्ज पार्टिकल में कोलिशन होने लगता है, यानी ये आपस में टकराने लगते हैं और इसी टकराव की वजह से दोस्तों आवाज़ उत्पन्न होती है। यही है दोस्तों आवाज़ उत्पन्न होने का असली और मेन वजह। इससे आवाज़ के साथ साथ तार के पास वायलेट कलर का रोशनी उत्पन्न होती है जिसे कोरोना इफेक्ट कहा जाता है। कोरोना इफेक्ट को रोकने के लिए तार में एंटी कोरोना रिंग लगाया जाता है। इससे हवा में जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा था वो स्किन इफेक्ट के कारण रिंग में फैल जाता है। इसके अलावा बहुत हाई वोल्टेज के कारण तार में वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन से भी थोड़ा बहुत नॉइज आती है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके और फेयर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत